हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनव। आज हम बात करेंगे बजाज 100 cc एंड 110 cc में डायरेक्ट कंपैरिजन करा के कि किस गाड़ी में क्या मिलता है आपको और कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगी आपके लिए। अगर फ्रंट प्रोफाइल से देखें तो उसमें आपको रेड कलर के इंडिकेटर मिलते हैं वाइट बल्ब के साथ में, जो कि फ्लेक्सीबल हैं और काफ़ी फ्लेक्सीबल हैं। और इस गाड़ी में आपको वाइट कलर के इंडिकेटर मिलते हैं रेड बल्ब के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर दोनों गाड़ी को देखें तो 110 cc सेगमेंट में आपको LED DRLs मिल जाते हैं, और जबकि इस जगह आपको LED DRLs नहीं देखने को मिलते हैं। अगर हम पेंट क्वालिटी की बात करें तो 110 cc सेगमेंट का जो पेंट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। उसके बाद बात करें तो साइड से आपको इसके सॉकर्स के ऊपर आपने यहाँ पर कवर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोई कवर देखने को नहीं मिलता है। इस गाड़ी में DTSI ट्विन स्पार्किंग इंजन दिया गया है, जबकि इस गाड़ी में आपको DTSI ट्विन स्पार्क इस गाड़ी में भी अब आपको फाइनली दे दिया गया है, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। उसके बाद करें अगर हम यहाँ पर आपको पैडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी अच्छी है। इस गाड़ी में आपको कोई भी पैडिंग देखने को नहीं मिलती है। इन दोनों गाड़ियों में फिर इंजेक्शन नहीं आता है, डीजल कार्बोरेटर कंपनी ने दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के नाम से जिसे कंपनी कहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों गाड़ियों में सेम ही सॉकेट दिए जाते हैं, साइड से दोनों गाड़ियाँ ही सेम लगती हैं, लेकिन पीछे से अगर हम देखें तो इस गाड़ी में आपको ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल मिलता है, जबकि इस गाड़ी में आपको वाइट कलर का ग्रैब हैंडल दिया गया है। पीछे से ये गाड़ी कुछ इस तरीके की लगती है, तो कुछ ये डिफरेंस है इन बाइकों में। इस गाड़ी में आपको ब्लैक कलर का हैंडल मिल जाता है, साथ में आपको प्रोटेक्शन भी दिया गया है चेस्ट के लिए, जिससे आपका चेस्ट सेफ रहे एक्सीडेंट के दौरान। इसमें आपको क्रोम हैंडल दिया जाता है, उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। कुछ इस तरीके से बाइकें दिखती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने और सुरक्षित चलें।